इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तनसीबात का मनसूबा 8 मई को जमानत पा के बनाया गया। टेक्निकल तज्जिए और जीवन सिंह से मुतालिक हुशैबा इंकशाफात। यासमिन राशिद, हमादा सर, महमूदुल रशीद, असलम इकबाल, मुराद रास बिलवाइयों से मुसलसल राबते में रहे। शहर में आग लगी के चलते फिर मुझे शारजे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। शहर में ऑडियो लीक के चर्चे, एक और मुबैना ऑडियो मंजरियाम पर आ गई। PTI रहनुमा कमल शोजब का GHQ हमले में किरदार पे नकाब। फरारी शोजब कमल का पैगाम दूसरी रहनुमाओं तक पहुंचाया। सरबीना से गुफ्तगु में कमल शोजब का बार बार जिक्र किया गया। जिला हाउस में जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ का केस, साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज के नवासी खदीजा शाह इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में पेश। खदीजा शाह 9 मई के बाद सैलू पहुंच थी, पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। PTI रहनुमाओं कारकुनान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर सवाल से मास्टर कर ली। जस्टिस अली जिया बाजवा ने एतराजी दरखास्त को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट भिजवा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान के जमानत पाक में डेरे। ज़रा के मुताबिक इमरान खान के वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। रहनुमाओं और कारकुनान के केसेस और रिहाई के हवाले से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मजीद पंछी उड़ने को तैयार। जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर कायम कर लिया। जहांगीर तरीन से मुतअद्दिद रहनुमाओं की मुलाकातें, जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का इम्कान। नून लीग ने पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद PTI रहनुमाओं को लाल झंडी दिखा दी। शरीफ अहमद के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी में शामिल न करने का फैसला। नून लीग छोड़ने वालों को भी कबूल नहीं किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की हदायत पर अहम इजलास तलब। पार्टी सरसराय के मुताबिक साबिक अराकीन सौबाई असम्बली टिकट होल्डर्स का इजलास बुलाया गया। मरियम नवाज शुरका को पार्टी पॉलिसी पर गाइडलाइंस फराहम करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ बेकसूर करार। एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत की जिम्मे रिपोर्ट की कॉपी मुलजिमान को फराहम करने की हिदायत। मोहम्मद खान भट्टी की डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहिल ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत ने 7 जून को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली के दो हलकों में इंतखाबात करवाने का नोटिफिकेशन मौतल। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 118 और NA 108 में इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। केस बाकायदा सबात के लिए मंजूर। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। तीसरी सामाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1.25 रुपये महंगी। सारिफीन से अरबों रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली सारिफीन को खामोशी से लूटना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता साल का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक साथ में वसूल किए जाने लगा। बिलों पर FPA एक साथ की वसूली प्रिंट और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 6 एक साथ में वसूल किया जाएगा। हालिया तेज आंधी से लेस्को का निजाम मुतासिर। शहर में 2 और दही इलाकों में 5 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। सैकड़ों इंफरादी शिकायत का भी असाला न हो सका।
गर्मी में मोटा यूनिफॉर्म लेस्को बलासबीन के लिए वबाले चांद बन गया। ज़रा के मुताबिक फील्ड स्टाफ शदीद गर्मी में गर्म कपड़े का यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर। मुख्तलिफ सब डिवीजन का अमला शदीद गर्मी में काम के दौरान बेहोश होने लगा। गंदम के जखीरांदोजों ने उधम मचा दी। मंडी में गंदम 900 रुपए महंगी। 39 रुपए वाली गंदम को 48 रुपए फीमन तक पहुंच गई है। चक्की का आटा 170 रुपए किलो, 20 किलो का थैला 2750 रुपए का हो गया। महंगाई के बाद जारी सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। जिला इंतजामिया का नान रोटी दूध दही की कीमतें बढ़ाने से इनकार। रोटी 15 और नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर। दूध 140 रुपए लीटर, दही 165 रुपए। महंगाई के बार जारी सब्जी और फलों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। अदरक 850, लहसुन 450, मेथी 160 रुपए किलो में दस्तियाब। आम, सेब, केला, खजूर भी गरीब की पहुंच से बाहर। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की दुहाई। चिकन सस्ता होकर भी गरीब के किचन में ना सका। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपए कमी, 579 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 5 रुपए सस्ते, 270 रुपए दर्जन में बिकने लगे। बच्चों और वालदैन के लिए खुशखबरी, अब होंगी मौजें। स्कूलों में छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होने का इम्कान है। वजीर अला पंजाब महकमा स्कूल एजुकेशन के समरी पर अपनी मंजूरी देंगे। तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानी पॉलिसी तब्दील कर दी। अब तालिब इल्म इजाफी सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकेंगे। कंप्यूटर और साइंस के उम्मीदवार आर्ट्स के इजाफी सब्जेक्ट के इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहानी पॉलिसी का इतलाक 2024 से होगा। तबादलों के ख्वाहिशमंद उत्सादा के लिए अच्छी खबर। उत्सादा 25 मई से 2 जून तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। 3 से 7 जून तक जांच पड़ताल, 20 जून तक तबादलों के ऑर्डर जारी होंगे। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की शामत आ गई। रवा साल बगैर लाइसेंस 1,29,443 ड्राइवर्स को जुर्माना। लर्नर परमिट रखने वाले 2,00,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी गई। वाजिबात जमा न करवाना स्टॉल्स मालिकान को महंगा पड़ गया। स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल ने रेलवे स्टेशन पर 4 स्टॉल्स को सील कर दिया। स्टॉल्स की जानिब से 3.5 लाख के करीब वाजिबात जमा नहीं करवाए गए थे। लाहौर चिड़ियाघर में मुख्तलिफ चीजों के लिए की जाने वाली नीलामी ताखीर का शिकार। मुनासिब ठेका न मिलने की वजह से अब तक नीलामी न हो सकी। नीलामी की नई तारीख 15 जून मुकर्रर कर दी गई। नीलामी 25 मई को की जानी थी। निगरान वजीर अला पंजाब की जेर सदारत एल डी ए गवर्निंग बॉडी का अजलास। बिल्डिंग एंड जोन रेगुलेशन में तरमीम का जायजा लिया गया। अजलास में मतदाद फैसलों की मंजूरी। बैंक ऑफ पंजाब में 2 अरब रुपए के सरमाकारी भी मंजूर कर ली गई। काबीना कमेटी बराय डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। वजीर मवासलात और एक्साइज पंजाब बिलाल अफसल ने सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ असलाह की 10 तरक्याती स्कीमें जेर गौर लाई गई। कमिश्नर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास। हाउसिंग बैंक के मकसद डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तमाम डायरेक्टोरेट को कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए अहदाफ सौंपे गए। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की कावेश। पुलिस एहलकारों की रिकॉर्ड तरक्कियां। 6 साल में 600 एहलकारों को तरक्की मिली। 4 माह में 985 एहलकारान को तरक्कियां दी गईं। 704 एहलकारों की अगले रैंक में प्रमोशन हुई। चेयरपर्सन CPB सारा अहमद से चेयरमैन NCCR आयशा रजा की मुलाकात। बच्चों के हकूक के तहफ़ के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। सारा अहमद ने हर मुमकिन तआवुन और मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवा दी। फिरोजवाला में पाक फौज से इजहार यकचहती के लिए रैली। साबिक लीगी MPA पीर अशरफ रसूल ने क़यादत की।
राना टाउन तक निकाली गई रैली में कारकुनान और मकामी अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना के मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद के घर आमद, शहीद की अहलिया और अहले खाना से मुलाकात और फातह खानी की। शहीद के मुल्क कौम के लिए खदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब पुलिस के शहदा के अहले खाना के लिए खुशखबरी, 2017 में शहीद पैकेज की मंजूरी से कबल 912 फैमिलीज के लिए रिहायशगाहों का फैसला। शहदा की फैमिलीज को घर समेत तमाम मराह फराहम की जाएंगी। पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए हेल्पलाइन का आगाज। डीपीओ यूनिट सरबराहान और पुलिस फोर्स के लिए पैगाम जारी किया गया। बच्चों के वालदैन हर जुमा सपहर 3-5 बराह रास्त रबता कर सकते हैं। गर्मी और हब्स की छुट्टी, ठंडी हवाओं ने मौसम को औसम बना दिया। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की नवीद सुना दी। और अदाकार फिल्म साज, हदायतकार और गुलकार की हैसियत से 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म्स में अपने फन के जौहर दिखाने वाले सईद खान उर्फ रंगीला को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए।